हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये चोचो इन्फ्लेटेबल बाथटब, बेबी बाथटब है, इसका रिव्यूज़ आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो बाथटब है ये हमने 6 मंथ्स पहले लिया था और तभी से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। और जब ये आया था तब इसमें हमने जब फर्स्ट टाइम एयर भरा था वो एयर अभी भी वैसे का वैसा ही है। इसमें फिर से हमें एयर नहीं भरना पड़ा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसमें। और जब हमने ये लिया था तब इसके साथ हमें मिला था ये एयर भरने के लिए ये पंप, और ये 3 बलून्स मिले थे, 3 बॉल्स। और ये बहुत ही लाइट वेट है, जब बच्चे नहाते हैं तो ये पानी पे ऐसे तरंगते तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है इनके साथ खेलने के लिए, और इनसे कोई बेबीज़ को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। देन इसके बाद मिला था हमें इसमें ये मिला है, जब बेबी को नहलाने के बाद हम इसे सुखाने के लिए रखेंगे तो हम इसको इसमें इसे डाल के इसे लटका के रख सकते हैं ताकि पूरा पानी निकल जाए और ये अच्छे से सूख जाए। और फ्रेंड्स, इसमें 4 वॉल्वेज है जो जहाँ से हम एयर भरेंगे। यहाँ पे है ये 1, यहाँ है ये 2, ये 3 और ये है 4। तो इन 4 वॉल्स में से हम एयर भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ज़्यादा एयर मत भरिएगा क्योंकि ये थोड़ा ऐसे सॉफ्ट ही अच्छा रहता है। और ये जो है अंदर, अगर बेबी आपका 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है तो तब आप इसको इसमें उसको नहला सकते हो। तो इससे क्या होगा कि बेबी नीचे फिसलेगा नहीं, वो अच्छे से यहाँ पे रह पाएगा। लेकिन अभी मेरा बेबी 1 ईयर का हो चुका है तो मैंने इसमें जो हवा थी वो निकाल दी थी, क्योंकि फिर वो पूरे बाथटब में अच्छे से एंजॉय करता है और अच्छे से खेलता है। और यहाँ पर हमें दिया है ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, तो आप इससे ऊपर पानी मत भरिएगा क्योंकि बाथटब में प्रॉब्लम हो सकता है और बेबी के भी, मतलब उसके ऊपर तक पानी नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप बेबी को नहला रहे हो और बेबी उसमें खेल रहा है पानी में, तो आप उस पर से ध्यान मत हटाइएगा और उसे अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि कभी कभी बेबीज नीचे फिसल सकते हैं। वैसे यहाँ पे फिसलने का चांस कम है, फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं बेबी के साथ। और नहलाने के बाद यहाँ ये दिया है, यहाँ से आप पानी छोड़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ है इस बाथटब का रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये बाथटब। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।